मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। आज के विशेष एपिसोड में देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या ज्योतिषी समीकरण भी उनके तीसरी बार सत्तासीन होने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 2024 के भारत के लोकसभा चुनाव की बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और संसार भर की सारी भारत विरोधी शक्तियां भी इस बार चुनाव के मैदान में मोदी को पराजित करने के लिए उतरने वाली हैं। तो क्या इस बार 2019 की तरह बीजेपी मैदान मार पाएगी, चलिए इसी पर करते हैं एक विस्तृत और सारगर्भित ज्योतिषी चर्चा। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से पहले पीएम मोदी की कुंडली पर एक दृष्टि डालते हैं। तो पीएम मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बनती है। वृश्चिक लग्न लग्नेश मंगल राशेश मंगल केंद्र में लग्न स्थित होकर संपूर्ण कुंडली को बल प्रदान कर रहा है। वर्तमान में मंगल की ही महादशा चल रही है उनकी, जिसमें अप्रैल 2024 तक बृहस्पति की अंतरदशा और उसके बाद मई 2025 तक शनि की अंतरदशा रहेगी। मोदी की कुंडली में प्रबल राजयोग भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ उनकी कुंडली में शनि भी केंद्रस्थ दशम में स्थित होकर योग कारक बना हुआ है। ये कर्म स्थान में होने के कारण जातक को प्रबल राजयोग प्रदान कर रहा है। यद्यपि इस समय लोकप्रियता में थोड़ी कमी आने के संकेत हैं, विरोधियों के कारण सत्ता सुख से मोहभंग जैसी स्थिति भी ये योग बना रहा है, क्योंकि शनि के साथ राज सुख का कारक शुक्र भी बैठा हुआ है। ऐसा जातक तीन बार राजा बनता है। राज्य सुख का कारक सूर्य भी बुध के साथ एकादश में युति कर रहा है और ये बुधादित्य योग बना रहा है और इनके साथ केतु की उपस्थिति होने जा रही है, जिससे ये त्रिपुरुष योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा जातक तीन बार राजा बनता है और जनता के दिलों पर राज करता है। केंद्रस्थ चतुर्थ में बृहस्पति के सामने दशम में शुक्र शनि युति भी योग कारक है। इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ लघु कल्याणी ढैया का प्रभाव भी मोदी की राशि वृश्चिक पर शनि का लघु कल्याणी ढैया भी चल रहा है, जो बीच बीच में अस्थिरता का माहौल पैदा करेगा। विरोधी सक्रिय होंगे और छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यद्यपि वे अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ एकादश में बना त्रिपुरुष योग और अप्रैल 2024 तक मंगल बृहस्पति दशा अंतरदशा योग कारक है। इसके बाद भी मंगल शनि प्रबल राजयोग की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली में वर्ष 2024 में बृहस्पति चंद्रमा की युति के साथ वर्ष 2024 में शनि अच्छा रहेगा, जो कि उनके राजनीतिक करियर के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण पीएम मोदी की कुंडली में राजयोग गजकेसरी योग वरिष्ठ योग चंद्रमंगल योग और प्रसिद्ध योग भी सम्मिलित हैं, जो उन्हें नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। इनकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है और मंगल स्वराशि में है, जो कि प्रबंधन की गुणवत्ता को बखूबी दर्शाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भारी मात्रा में लोगों का समर्थन और जन समर्थन मिलता है। कई ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि वर्ष 2028 तक वे देश की सत्ता संभाल सकते हैं, लेकिन राहु की महादशा के दौरान नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, किंतु पार्टी बीजेपी नीट एनडीए गठबंधन ही रहेगी। 2024 में ही पीएम मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश में असाधारण परिवर्तन का भी एक योग दिखाई दे रहा है। उनके इस बार पीएम बनने के बाद ऐसे ऐसे लोक कल्याणकारी कदम उठाए जाएंगे जो कि राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ देश के एक प्रमुख और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री के रंगाचारी की भी ज्योतिषी गणना के अनुसार भी 2024 में मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए दावा किया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी के जीतने की संभावना सबसे अधिक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में चल रहे विज्ञान परिषद के दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में श्री रंगाचारी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा है कि तीसरी बार मोदी ही भारत का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के, और इसमें पीएम मोदी की कुंडली किस तरफ संकेत कर रही है, ये था हमारा विशेष एपिसोड। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे चैनल पर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं या इसकी आलोचना करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही अपने संदेश भेजने होंगे। आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई भविष्यवाणी के साथ, किंतु जाते जाते आपसे इतना अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।